मित्रों, सबसे पहले तो मैं टीम राजस्थान को इस बात के लिए बधाई देता हूं, एक नए प्रकार का बहुजन आंदोलन कहीं कहीं आकार लेता हुआ दिख रहा है। आज आप देख सकते हैं कि मंच पर कोई स्थापित बड़ा नेता आपको नजर नहीं आ रहा है, बावजूद इसके भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग दूर दूर से आए हैं। और कल जो आंदोलन होने वाला है उसका कॉल किसने दिया, कौन आयोजक है, कौन तय कर रहा है, कुछ भी नहीं है, बावजूद इसके भी कल देश जाम हो जाएगा। ये जाहिर करता है कि अब दलित समाज की सामूहिक चेतना वो दिशा ले रही है जहां पर उसे किसी एक व्यक्ति, एक नायक की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जिस हीरो वर्शिप के खतरे की बात कही थी, नायक पूजा के खतरे की बात कही थी, और हमने कई नायकों को पूजा, कईयों को बिठाया, कईयों को पूजा, कईयों से प्रेरणा ग्रहण की, कुछ लोग तो 35 साल 40 साल तक आराधना करवा करके भगवा पट्टा बांधने के लिए चले गए, उधर कोई और कहीं चला गया। तो मुझे लगता है कि इस समाज ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने के बाद ये फैसला कर लिया कि किसी एक व्यक्ति के चरणों में हमें अपनी चेतना को रखने की जरूरत नहीं है, हम सामूहिक फैसला करेंगे। और मुझे लगता है कि ये टीम राजस्थान की एक सामूहिक फैसला है और कल का भारत बंद भी एक सामूहिक फैसला है और ये एक नए युग का सूत्रपात भी है फुले अंबेडकर की इस पूरे मिशन के लिए। तो मैं इस रूप में इस चीज के लिए बधाई देता हूं भाई धर्मेंद्र जी और बाकी युवा साथियों का, मैं नाम सबका लेकर के समय नहीं जाया करूंगा, लेकिन आप सब लोगों ने जिस तरीके से युवा ओंकार रैली के लिए भी जो मेहनत की, और जिग्नेश भाई उसमें आने वाले थे, और उस आयोजन की परमिशन क्यों कैंसिल की गई, क्योंकि पुलिस उपायुक्त ने यह कहा कि आपने ये लिखा कि जिग्नेश मेवानी के आयोजन में 5000 लोग आने वाले हैं और हमारी रिपोर्ट ये कहती कि 50,000 लोग आने वाले हैं, इसलिए हम आपको रखें। तो मित्रों, ये जो धमक है ये राजस्थान की पूरी सरकार को कहीं कहीं हिला रही है और मुझे लगता है कि एक नया राजस्थान बनाने की दिशा में टीम राजस्थान आगे बढ़ेगी, ये मुझे लगता है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि टीम राजस्थान को क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है ये चीजें बिल्कुल तय करके आगे बढ़ेंगे कि ये काम हम करेंगे और ये चीजें नहीं करेंगे। फिर से ठगा जाना राजस्थान या देश के दलित आदिवासी अल्पसंख्यक जितने भी हाशिए के लोग हैं उनको अब स्वीकार नहीं है, कितनी बार आप ठगे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी लोग हैं और इनसे बड़ी, इससे भी कई कई गुना बड़ी तादाद में लोग आ जाना चाहते थे लेकिन कल की तैयारी की वजह से नहीं आ पाए, जगह जगह से लोगों ने कहा। और दिनेश भाई, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिसने भी ये कॉल दिया और जिसने भी ये तारीख निश्चित की, अभी वो तो सीबीआई जांच करेगी तो भी पता नहीं चलेगा कि ये 2 तारीख किसने तय की, लेकिन जिसने भी तय की, राजस्थान के छोटे छोटे गांवों में भी कल बंद होने वाला, रैलियां निकलने वाली है और जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जाम लगने वाला है। जो स्थापित नेता जिन्होंने वर्षों तक नेतागिरी करी वो चुप बैठे रहे, उन्होंने सोचा कि व्हाट्सएप पे क्रांति चल रही है, संचार क्रांति चल रही है, बाद में उनको लगा कि ऐसा ना हो कि हमको श्रद्धांजलि दे रहे लोग यहाँ पर, इसलिए वो भी आ गए सब और अपने झंडे झंडे थाम लिए उन्होंने, और हम उनका भी स्वागत करते हैं कि आप आ गए तो अच्छा किया कि आपने अपने अस्तित्व को बचा लिया, नहीं तो कल आपका आखिरी दिन भी हो सकता था उसके बाद। लेकिन मित्रों, राजस्थान की सरजमी पर हम जिग्नेश मेवानी का स्वागत कर रहे हैं और राजस्थान की सरजमी की जब लोग बातें करते हैं तो दोहरा वाला देशों की बातें करते हैं, बड़े बड़े ऊंटों की बातें करते हैं, महलों की बातें करते हैं, लेकिन हमारे लिए राजस्थान वो राजस्थान नहीं है। यहाँ जितने क्रांतिकारी साथी, संघर्ष करने वाले साथी बैठे हैं,
आप सब जानते हैं ये वो राजस्थान है जहां मनु महाराज कोर्ट के अंदर खड़े हैं और बाबा साहब अंबेडकर बाहर चौराहे पर। और जब तक ये शैतान न्यायालय के भीतर है ये नहीं हटता है तब तक हमको रुकना नहीं चाहिए। इतना नंगा नाच कौन कर सकता है जहां मनु के समर्थन में लोग खड़े हैं और खड़े नहीं हैं बल्कि उसके लिए लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी लाशों पर मनु की मूर्ति हटेगी। ऐसा भी समाज है अभी भी और वही लोग समानता की भी बातें करते हैं, वही लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इंसानियत की बातें करते हैं, भगवान की नजर में सब लोग बराबर हैं वो बातें भी करते हैं। तो मित्रों ये मनु रोज चिढ़ा रहा है उनको और मनु की मूर्ति ही नहीं है बल्कि राजस्थान में मनु की प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित किया गया इस साल और वो भी 10 जनवरी को किया गया, 10 दिसंबर को किया गया जिस दिन मानवाधिकार दिवस था। तब आप सोचिए कि मानवाधिकार दिवस के दिन मनु की प्रतिष्ठा का समारोह किया गया और उसमें यह कहा गया कि मनु महाराज तो सही थे, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर गलत किसने किया, वो कौन है जिसने गलत किया और मनुस्मृति किसने रखी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा आंदोलन राजस्थान में, जैसा कि जिग्नेश भाई ने लखनऊ में एक बार कॉल भी दिया था और हमने शुरुआत भी की थी, अब तो आप धारा सभ्य बन गए हैं, विधायक भी हैं, तो हम चाहेंगे कि दोबारा फिर से वो कॉल जाए कि राजस्थान की न्यायालय में जो मनु की प्रतिमा है वो हटने तक हम संघर्ष को जारी रखें।